बच्चे को चाहिए मैगी, तो मैगी ये मैंने बना ली है। और मेरे पास 3 ब्रेड था, तो मैं इसे भी अभी हल्का हल्का गरम कर रही हूँ। और गाय के घी थोड़ा लगा देती हूँ इसमें। ये देखिए मैं गाय के घी लगा रही हूँ। और ये मेरा बाबू आ गया। रुको, मैगी हो रहा है, मैं दूंगा। हाँ, और इधर मैंने सब्जी तैयार करके रखी है, केले के फूल है। इसकी आज अलग तरीके की रेसिपी बनेगी, तो वीडियो में आप सब बने रहिए। तो चलिए फटाफट से चाय पी लेते हैं पहले, तब वीडियो बनाएंगे, रेसिपी बनाएंगे। तब इसको मैं पलट लेती हूँ और चाय चढ़ा लेती हूँ फटाफट से। इधर चाय का पानी चढ़ा दी और ब्रेड मेरी सेक चुकी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर करारे करारे। तो चाय पे मिलते हैं, चलिए। हस्बैंड भी दुकान से आ चुके हैं और चाय मेरा उबलना शुरू हो रही है। और इधर मैं बच्चे को मैगी देकर आती हूँ। और बाबू मेरा पढ़ रहा है, आ जा बाबू, बना दिया मैगी। और ये मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं दुकान से, तो ये मैगी खाएंगे हम सब। चाय भी पियेंगे, मैगी भी खाएंगे। तो आइए, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आ जाओ बाबू, आ जाओ, ये लो मैगी। उसे सॉस चाहिए टमाटर का, तो मैंने इसे भी रख दी है, जितना मर्जी उतना ले ले। ये देखिए आ रहा है, ये देखिए बाबू मेरा खा रहा है। बाबू कैसा लग रहा है मैगी? स्वादिष्ट, पूरा एकदम टमाटर का, पूरा टमाटर का स्वाद आ रहा है। जोश का एक बार पैकेट लेकर बैठ गया है, देखिए किस तरह से स्वादिष्ट आ रहा है, बोल रहा है। मैं भी ले लेती हूँ ब्रेड और चाय, उसके बाद किचन में मिलते हैं। क्या बनाऊंगी? एक लो ले लो, पहले एक खा लो तब खाना। पहले मैगी खत्म करो, उसके बाद ब्रेड खाना। को बना लगा को उठा जी। ये देखिए मेरा मम्मा चाय पी रही है और ये ब्रेड। हाय फ्रेंड्स, अभी आ जाओ खाने के लिए। और अभी हम लोग खाएंगे ये सब मिक्स करके। ये देखिए बाप बेटा कैसे ढाल रहे हैं सब चीज को। और ये तो खाना भी शुरू कर दिया, आज ज़्यादा ही भूख लग रहा था शायद दुकान से आकर, इसीलिए ढेर सारे खाने में चाहिए आज सबको। मुझे भी खिलाया बाबू ने, बहुत अच्छा। आप सब भी आइए खाने के लिए। पॉपकॉर्न अंकल चिप। तो फटाफट से खा लेते ये हैं तो सब। डिनर ही चल रहा है मुझे लगता है। खाना पापा। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, तेल हो रही है गरम। इधर आलू मैंने कट करके रखी थी और ये केले था, केले का फूल, और प्याज, 2 हरी मिर्च, तेज पत्ता और लहसुन। तो इन सब चीज़ों को मैं आज बनाती हूँ मसूर के दाल के साथ। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाने की विधि। तो तेज पत्ता को मैंने ऐड कर दी और प्याज को, और साथ ही साथ मैं आलू को भी डाल देती हूँ ताकि प्याज के साथ साथ आलू भी मेरा भून जाए। और इधर बाजार से सारे सामान आए हैं, तो मैं सामान को निकाल लेती हूँ फटाफट से। पहले मुझे मसाले चाहिए, अभी सब्जी में ऐड करने के बाद मैं इन सबको भी सिजिल कर लेती हूँ। आलू और प्याज देखिए भून चुकी है, ये देखिए, और ज़्यादा नहीं भूनना है। अब मैं इसमें केले के फूल जो कट कर रखी थी बारीकी बारीकी से, इसे ऐड कर देती हूँ। इसे थोड़ी देर भुनने के बाद, इधर हल्दी पाउडर को मैंने भरा ली इसमें कट करके। अब नमक को भी फटाफट से भर लेती हूँ। और सब्जी मेरी भून चुकी है, ये देखिए। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, नमक,
ऐड कर दी हूँ। मसाले अभी मैंने ऐड नहीं किए हैं, नमक और हल्दी पाउडर ही ऐड की हूँ। और इधर मैंने जो दाल धोकर रखी थी उसे भी ऐड कर दी हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद इसको मैं ढक देती हूँ। तो अब इसे मैं अच्छी तरह से ढक देती हूँ। इसे कम स्टीम में ही पकाना है। ये देखिए, मैंने इसको ढक्कन हटाया, इसको कम स्टीम में ढक ढक के ही पकाना है। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, और कुछ भी मसाले की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी चम्मच से मैंने ली एक चम्मच। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप बिना किए देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल में। तो फिर से इसे मैं दोबारा से ढक देती हूँ। बाबू के पास मैं आया। बाबू क्या कर रहा है देख रहा हूँ, वो मोबाइल से कुछ लिख रहा है। क्या लिख रहा है बाबू? ओ ये सब, उसको प्लेयर्स का नाम लिखना है। ये देखिए, विराट कोहली का भी तस्वीर इसमें। बाबू पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, पढ़ो। और इधर कपड़े हैं, इन सब को भी मैं सारी अच्छे से सेट करना है आलने में। और इधर मोबाइल चल रहा है। इसमें मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दी है और इसे फिर से मैं ढक देती हूँ। देखिए, इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा पानी ऐड कर दी हूँ, ये देखिए। और अब मैं इसे ढक देती हूँ। ये लगभग हो चुकी है और थोड़ी देर में हो जाएगी बिल्कुल खाने लायक। सब्जी मेरा बनकर तैयार है। देखिए, अब मैं इसमें थोड़ी सी है अन्नपूर्णा का घी है, जो गाय का देसी घी, इसे ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ताकि खाने में और स्वादिष्ट हो। अब ये तैयार है। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। और ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट दाल वाली केले की फूल की सब्जी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और आटे गूँथ लेती हूँ, उसके बाद खाने पे मिलते हैं। और आटे मैंने गूँथ ली और एक बेल भी ली है। तवा हो चुकी है गरम। अब फटाफट से रोटी को बना लेती हूँ और दूसरे वाले को भी बेल लेती हूँ। रोटी मैं दो ही बार में फुलाती हूँ, एक बार पलटा था। और ये देखिए, इधर इस तरह से हो गया, तो मैं पलट ली हूँ। अब इसे मैं फुला लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मेरा केले की फूल की दाल वाली रेसिपी। मैं फटाफट से निकाल देती हूँ। देखिए, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। बाबू जाओ हाथ धोकर आओ, जाओ जाओ फटाफट हाथ धोकर आओ। हाथ धोने के पानी, ये बहुत। तो शुरू हो चुका है खाना। और कैसा लग रहा है बताइए, तो बताइए कैसा लग रहा है। बाबू लो 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 खा को बताओ। परफेक्ट। कैसा लग रहा है खाने में केले की फूल की सब्जी? कैसा लग रहा है पापा? स्वादिष्ट लग रहा है। ये मतलब इशारा से ही ज्यादा बात करते हैं, बात नहीं करते, इसलिए देखिए। और मैं भी खा लेती हूँ। देखिए, मेरा मम्मा खाना खा रही है। तो मैं भी खा रही हूँ। तो आप सब भी ऐसे ट्राई जरूर कीजिएगा, कैसा लगता है खाने में। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। देखिए इस तरह से है, बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक रेसिपी वाले फैमिली ब्लॉग के साथ। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा।